फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि फिल्म में एक मर्डर हो जाता है। अब पुलिस के पास उस हथियारे का फोटो आ जाता है। फोटो देखकर पुलिस उस बंदे को पकड़ भी लेती है, लॉकअप में डाल भी लेती है। लॉकअप में बंदा बोलता है कि भाई मैंने मर्डर नहीं किया है। तो भाई मर्डर किसने किया है, क्यों किया है, ट्रेलर में हमें दिखा दिया गया था। आदित्य रॉय कपूर का जो कैरेक्टर होने वाला है वो डबल रोल में होने वाला है, तो हमें तो पता चली जाएगा भाई इस आदित्य ने नहीं किया तो उस आदित्य ने किया होगा, लेकिन किस आदित्य ने मर्डर किया है। भाई साउथ की फिल्म थड़म देखी है आपने तो शायद आपको पता चल गया होगा कि भाई मर्डर किसने किया था और क्यों किया था, क्योंकि थड़म की ऑफिशियल रीमेक फिल्म गुमराह अपने सिनेमा घर में आज के दिन रिलीज हुई है, तो उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। फिल्म कैसी बनाई गई है और थिएटर में जाकर इस फिल्म को देखना चाहिए या फिर ओरिजिनल फिल्म थड़म ही देख लेनी चाहिए। नेगेटिव पॉइंट से शुरुआत करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि फिल्म में गाने की जगह भी नहीं थी और फिल्म में गाने की ज़रूरत भी नहीं थी, फिर भी फिल्म में गाने को डाला गया है जो कि आपको पूरी तरह से इरिटेट कर सकते हैं। 2 घंटा और 10 मिनट की फिल्म होने के बावजूद अगर फिल्म आपको बड़ी लगे, कई सीन ऐसे लगे कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, कई जगहों पर आप अपना मोबाइल निकाल कर आपका व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चेक करने की ज़रूरत पड़े, तो ये निशानी है वीक स्क्रीन प्ले की। फिल्म का जो ड्रामा है वो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा हो गया, अपनी कहानी पर अगर थोड़ी फिल्म चली जाती तो अच्छा था। फिल्म रीमेक है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीन टू सीन फिल्म को कॉपी किया गया है। मेकर्स ने अपने हिसाब से थोड़ा मसाला इस फिल्म में डाल दिया है, लेकिन ये अपने आप डाला हुआ मसाला फिल्म का बजट कवर कर नहीं पाएगा। गुमराह एक ऐसी रीमेक फिल्म है जिसे देखकर आप कई कई बार ऐसा बोलेंगे कि अरे वाह भाई ये तो ओरिजिनल से थोड़ी ज़्यादा अच्छी निकली, लेकिन कई कई जगहों पर आप ऐसा भी बोलेंगे कि भाई इससे अच्छा तो ओरिजिनल सीन था। तो मिक्स टाइप का आपको इस फिल्म को देखकर आपका जो भी होगा रिव्यू वो मिक्स टाइप का मिलने वाला है। एक्टिंग की बात की जाए तो आदित्य रॉय कपूर की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है, साथ ही साथ मृणाल ठाकुर और रोनित रॉय की एक्टिंग भी अच्छी है। एक्टिंग के मामले में ये फिल्म 1 स्टार तो डिजर्व करती ही है। मैं इस फिल्म को अपनी एवरेज कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा आपको कि एकदम बकवास और वाहियात रीमेक है, और ऐसा भी नहीं कहूंगा कि ये मस्ट वॉच फिल्म है। आपने अगर थड़म देख ली है और फिर भी आपको कुछ नया नहीं लेकिन थड़म का नया कुछ वर्जन देखना है, थोड़ा सा मिक्स मसाला वाली थड़म देखनी है, तो आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। बाकी आप थड़म देख कर ही खुश रहेंगे, मेरा ऐसा मानना है। एक एवरेज टाइप की फिल्म है, 5 में से 2.5 स्टार मेरी तरफ से रहेंगे। फिल्म आपने ऑलरेडी गुमराह देख ली है थिएटर में, तो फिर आप बताइए मुझे कैसी लगी, और बाकी आप OTT का इंतज़ार कर सकते हैं।